करण उर्फ लेखा करण। अगर मैंने पहले बता रखा है कि मैंने अपना पेन नेम लेखा करण क्यों रखा, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी और एक व्यू बढ़ाना पड़ेगा वर्डसूत्रा का। तो मैं पहले आया था, मैंने एक थॉट से शुरुआत की थी, मैं आज भी एक थॉट से शुरुआत करना चाहूँगा कि चांद में दाग होते हैं ये हमें तब पता चला। कब? चांद में दाग होते हैं ये हमें तब पता चला जब उस चांद को किसी और के साथ रात गुजारते देखा। क्या बात है। बहुत लोग मानते हैं कि अगर प्यार सच्चा होता है तो वो मिल ही जाता है। तो बता मत उसे, जता मत उसे, इजहार मत कर बस प्यार कर। बता मत उसे, जता मत उसे, इजहार मत कर बस प्यार कर। इश्क सच्चा है तेरा, वो तुझे खुद मिल जाएगा, सब्र कर थोड़ा इंतजार कर। लिखा है अगला शेर की मोहब्बत में हमने क्या खूब सजा पाई है, मोहब्बत में हमने क्या खूब सजा पाई है, यारी फूलों से नहीं कांटों से निभाई है, और गले से उतारा है हर बार उस जाम को, जिसकी हर एक बूंद इन आंखों से छलक कर होठों तक आई। बेवफा जो होते हैं वो सिर्फ प्यार मोहब्बत में ही नहीं, कई किस्म के बेवफा होते हैं, तो मैं भी बेवफा, तू ही नहीं मैं भी हो गया हूं। बेवफा तू ही नहीं मैं भी हो गया हूं, क्योंकि अब तेरी बातों से नहीं खुद के जज्बातों से प्यार करता हूं। बेवफा तू ही नहीं मैं भी हो गया हूं, क्योंकि अब तेरी बातों से नहीं खुद के जज्बातों से प्यार करता हूं। फर्क इतना है कि तूने चाहा किसी और को, मैं जुगनू की तरह इन रातों से प्यार करता हूं। लिखा है कि शायरी का स्याही का एक एक कतरा शायरी बनकर कागजों पर बिखर जाता है, स्याही का एक एक कतरा शायरी बनकर कागजों पर बिखर जाता है। माना लिखावट खराब है मेरी, पर कुछ लोग कहते हैं आपका लिखा हुआ दिल में उतर जाता है। एक शेर पढ़ूंगा कि लड़कियों के लिए ये शेर, नहीं था इश्क मुझसे तो बता देता पर ये किस अकेलेपन के मंजर में धकेल गया, नहीं था इश्क मुझसे तो बता देता पर ये किस अकेलेपन के मंजर में धकेल गया, मेरी आंखें थक गई हैं इंतजार करते करते, और तू है कि जिस्म के साथ साथ जज्बातों के साथ भी खेल गया। प्यार में अगर बचे ना ना प्यार तो रखना नहीं चाहिए उसे। तो लिखा है कि अब मंजिल मैं नहीं तेरी तो रास्ता बदल और मुड़ जा कहीं, अब मंजिल मैं नहीं तेरी तो रास्ता बदल और मुड़ जा कहीं, आजादी का ख्वाब तेरा पूरा किया बना के ये आसमां, चल फैला पंख और उड़ जा कहीं। जान जान कहते थे जमाने भर में जिसको, आज उसी की बदौलत जान पर बनाई है। जान जान कहते थे जमाने भर में जिसको, आज उसी की बदौलत जान पर बनाई है, और जान किसकी जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि वो भी यही कहती है कि इश्क में सजा उसने भी बराबर पाई है। लिखा है कि यही सोचकर चले थे कि रास्ते जाते कहीं नहीं पर ले जाते जरूर हैं मंजिलों तक, यही सोचकर चले थे कि रास्ते जाते कहीं नहीं पर ले जाते जरूर हैं मंजिलों तक, अब हालात से मजबूर बीच भंवर में फंसे हैं कि कोई पहुंचाते साहिलों तक। एक शेर और लास्ट पढ़ना चाहूंगा कि आ जाते हो जिंदगी में बार बार घूमने, बगीचा समझा है क्या, आ जाते हो जिंदगी में बार बार घूमने, बगीचा समझा है क्या, तोड़ देते हो दिल इस कदर बार बार, शीशा समझा है क्या। मैं पोएट्री की शुरुआत करना चाहूंगा अपनी, तो क्या वो इश्क था, आप ही मुझे बताइएगा, तो क्या वो इश्क था, क्योंकि कभी जो नजरें मेरा रास्ता देखा करती थी मुझे ही देखकर जीती मरती थी, आज वही नजरें किसी और की नजरों में देखकर प्यार का इजहार कर रही हैं, तो क्या वो इश्क था, क्योंकि कभी जो जिस्म मेरी बाहों में आने को तरसता था मेरे जरा से डांट देने पर उसकी आंखों से बादल सा बरसता था, आज वही जिस्म किसी और की बाहों में है और आज भी मैं उसे भूला नहीं हूं, क्योंकि आज भी वो चेहरा मेरी निगाहों में है, तो क्या वो इश्क था, क्योंकि कभी जिन पलकों का सवेरा तब तक नहीं होता था जब तक वो हमारा दीदार ना करती थी, कहीं उसकी जरा जरा सी नादानियों से तंग आकर मैं उसे छोड़ ना दूं, इस बात को लेकर हर पल डरती थी, आज उसकी हर सुबह की वजह सूरज की कुछ किरणें और किसी और शख्स का चेहरा बन गया है, तो क्या वो इश्क था, क्योंकि कभी तुम मुझ में अपनी बाहें डालकर मेरी बाइक की पिछली सीट पर बैठा करती थी, मेरे कंधे पर तुम्हारा सर होता था और तेज हवाएं तुम्हारी जुल्फों को छूकर गुजरती थी, पर न जाने क्यों हवाओं की बजाय तुमने अपना रुख मोड़ लिया, तो क्या वो इश्क था, तेरे ऑनलाइन होने पर भी तेरे जवाब ना देने पर यह समझ कि मैं पल पल मर रहा था,
कहीं तो किसी और की तो नहीं होने जा रही थी। इस बात को लेकर हर पल डर रहा था, आंखें आंसू बह रही थी और मैं दिल को बहलाने का काम कर रहा था, ये इश्क ही तो था। अब दिल महफिलों से डरने लग गया है, आंखें किसी और से मिलने से पहले ही पीछे हटती हैं। अब दिल महफिलों से डरने लग गया है, आंखें किसी और से मिलने से पहले ही पीछे हटती हैं। खुदा तुझे भी एक दिन ऐसा दिखाए, क्योंकि तुझे भी तो पता चले कि भीगे हुए तकिए पर रात कैसे कटती है, कैसे कैसे छुप छुप कर रोया जाता है, कैसे पलकों के साथ साथ हाथों को भी भिगोया जाता है। तुझसे इतना प्यार करते हुए भी तुझे तड़पाने के बारे में सोचकर आंखें भर तो आती हैं, लेकिन मैं भी क्या करूं, जहां इतनी मोहब्बत होती है वहां हद से ज्यादा नफरत हो ही जाती है। अनसुनी दास्तां, ये एक्चुअली कल ही रात में लिखी थी, तो गुस्ताखी माफ, जो भी। अनसुनी एक दास्तां सुनाऊं आज तुमको, क्या है ये इश्क बताऊं आज तुमको, उसको तो बताने में नाकाम रहा शायद, पर अल्फाजों से अपनी मोहब्बत जताऊं आज तुमको। क्यों हर दिल का तड़पना जरूरी सा हो जाता है, क्यों इस इश्क को पाना फितूरी सा हो जाता है, और मैंने देखा है वो इंसान भी जो पत्थर दिल कहता था कभी खुद को, आज भरी महफिल में हंसते हंसते रो जाता है, बैठे बैठे खो जाता है। रातों में ली गई हर सिसकियों की आवाज सुनाऊं आज तुमको, क्या है ये इश्क बताऊं आज तुमको। मेरा प्यार, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, हर शख्स कह रहा है। मेरा प्यार, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, हर शख्स कह रहा है, पर यहां तो फरियादें भी बद्दुआ बनकर लौट आती हैं, लगता है मेरा खुदा ही बह रहा है। मोहब्बत के सारे पहलू गिनाऊं आज तुमको, क्या है ये इश्क बताऊं आज तुमको। कोई अपना प्यार हासिल करने के लिए अगले जन्म तक रुक जाएगा, तो किसी का प्यार दबा रह गया जमाने के उसूलों के नीचे। कोई अपना प्यार हासिल करने के लिए अगले जन्म तक रुक जाएगा, तो किसी का प्यार दबा रह गया जमाने के उसूलों के नीचे। संभल कर चलना इश्क में हर कदम, किसी ने कांटे बिछा रखे हैं फूलों के नीचे। आशिकों को रोते हुए कंधों का तो कभी गेट का सहारा लेते देखा है, आशिकों को रोते हुए कंधों का तो कभी गेट का सहारा लेते देखा है, और जो साले बड़े शरीफ बताते थे खुद को, कभी आज शराब के नशे में धुत सिगरेट का सहारा लेते देखा है। पूछना था मुझे उसकी हर सांसों की बेवफा सी रवानी से, पूछना था मुझे उसकी हर सांसों की बेवफा सी रवानी से, किसी और की बदौलत दी गई उसकी जिस्म पर हर निशानी से। पूछना था मुझे उसकी हर बेवफा सी सांसों की रवानी से, किसी और की बदौलत दी गई उसके जिस्म पर हर निशानी से, आखिर मेरा ही नाम क्यों मिटाया अपनी कहानी से। पर किसी ने क्या खूब कहा है, ये जिस्म की आग है जनाब, ये नहीं बुझने वाली किसी कुएं के पानी से।